मेरा पूरा खून पी गई कल तो उसे। भाई गोविंद भैया वो कंपनी वाले एम्प्लॉय को बोलते हैं, सबसे पहले तो भाई तू इसकी एवरेज लिख। चेका फॉर्चुनर चला रहे हो या i20 चला रहे हो क्या भाई? यार तेल कोरी खून पिए। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तीन चार दिन से बिल्कुल व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन व्लॉगिंग अपना काम है भाई, कितने दिन बंद रखेंगे ये सोच के। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ और गोविंद भाई साहब जा रहे हैं, दो i20 हमारे पास आज। और फिलहाल ना एक i20 थोड़ी खराब हो गई है, मतलब खराब नहीं कह सकते, उसकी सर्विस करवानी है, तो हम सर्विस सेंटर जा रहे हैं हुंडई के। और मतलब इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो फिलहाल गोविंद भैया जो है वो मेरे आगे जा रहे हैं अपनी वाली i20 में, और ये उनके रिलेटिव की i20 है, तो फुल मजे ले रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि दोनों के पास दो दो i20 सेम मॉडल, एक डीजल और एक पेट्रोल। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, इसमें पेट्रोल डलवाएंगे, उसमें डीजल डलवाएंगे और फिर जाएंगे हुंडई। तो अभी देखते हैं भाई। इस वाली i20 का ना मेरे को थोड़ा सा वो रहता है कि ये ना AC के अंदर एक्सेलरेशन इसका थोड़ा कम है, और गोविंद भैया तो बहुत आगे चले गए हैं भाई, देख के चलाओ। तो फिलहाल भैया को आगे निकाल दिया क्योंकि इनको पूरा रास्ता भी पता है। तो फर्स्ट हमें पेट्रोल पंप जाना है, तो पेट्रोल पंप तो हमारे इस रोड पे ही है, उसके बाद में जाएंगे हुंडई और फिर देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या है, मतलब करवाने वाला क्या कुछ है। क्योंकि वैसे ये गाड़ी कुछ ज्यादा नहीं चली है, सिर्फ 20,000 किलोमीटर ही चली है, तो 20,000 में इसका मतलब अभी कौन सा सर्विस होना है वो देखते हैं। लोग आए थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना तो पेट्रोल है ना डीजल है, तो हमें जाना पड़ेगा दूसरे पेट्रोल पंप पे। फिलहाल भाई गाड़ी मोड़ ली है दूसरे पेट्रोल पंप की तरफ, और मतलब काफी टाइम आता है जो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यार इतने दिन तक क्यों नहीं किया। अभी भाई साहब किधर जा रहे भाई, मेरे को ना यहाँ के नागौर के आपको पता है ये रास्ते थोड़े कम पता है, पर ठीक है, जहाँ तक है कि अपन खोने वाले नहीं है बिल्कुल भी, अपन को पीछा करना है। भाई एक चीज तो मैंने बहुत अच्छे से नोटिस कर ली है कि जो पेट्रोल वाली i20 है ना भाई, वो चलाने में इतना मजा नहीं है जितना चलाने में डीजल वाली में मजा है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन इतना फास्ट है कि मजा बहुत आता है उसको एक्सेलरेट करने में, ऐसे झटका सा लगता है ऐसे जब उसको खींचते हैं। एक चीज हो सकता है कि जब अपन इसकी सर्विस करवा देंगे उसके बाद में हो सकता है कि ये भी उसी तरीके से एक्सेलरेट हो, क्योंकि पेट्रोल में तो उल्टा ज्यादा एक्सेलरेशन होता है एज कम्पेयर टू डीजल, तो इसकी सर्विस के बाद में हो सकता है कि इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि हो सकता है काफी टाइम से सर्विस नहीं कराई, और ये ज्यादा चलती भी नहीं है गाड़ी, है ना खड़ी रहती है ये, तो उस वजह से इसका इंजन उतना मतलब ओपन नहीं हो रखा है। तो अभी देखते हैं भाई कैसे मतलब ये सर्विस के बाद में चलती है। और आप लोग को एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन दूं तो गाइस, हम लोग है ना ये जो सर्विस करवा रहे हैं किस लिए करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हम एक ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, और उस ट्रैवल में मतलब आप लोग को इतना ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि स्पेशली आप लोग के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, मजा करते हैं, और आप लोग को देखना अच्छा लगता है, और आप भी हमारे ब्लॉग देख के वहाँ आते हैं, तो उसी के लिए हम लोग ने एक ऐसा मतलब डेस्टिनेशन फाइनल किया है, आपको बहुत जल्द ब्लॉग में पता लगने वाला है। और फिलहाल हम लोग जो है उसी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी कार लेके जानी है, क्योंकि अपनी जो डिजायर है उसमें भी थोड़ा बहुत काम करवाने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि एक i20 या एक डिजायर, या फिर एक i20 में जाए, या फिर दोनों i20 लेके जाए, तो वैसा कुछ हम सोच रहे हैं। बाकी देखो क्या होता है, जो भी होगा आप लोग को आने वाले ब्लॉग्स में पता लग जाएगा, लेकिन गाड़ी सब रेडी करना जरूरी है। भैया वाली गाड़ी के पीछे लगा देते हैं, पहले उसमें डीजल डलेगा फिर इसमें पेट्रोल डलेगा, चलते हैं बाहर। तो पहले भैया डीजल डलवा रहे हैं फिर डलवाएंगे पेट्रोल, तो अभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है और डीजल वाली गाड़ी अपनी वो खड़ी, तो दोनों साथ साथ जाएंगे क्योंकि मेरे को रास्ता नहीं पता भाई, और देख लो मिरर में पेट्रोल डलते हुए। तो फिलहाल गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हुंडई, ये आप साइड में देख सकते हैं कंपनी, तो अभी हम यहाँ जाएंगे तो इसके सर्विस कैंपस में जाएंगे और फिर देखते हैं गाड़ी के बारे में क्या कुछ बताते हैं ये। फिलहाल गोविंद भी आ रहे हैं, आ जाओ भाई साहब अंदर ले आओ। तो फिलहाल भाई गाड़ी जा रही है अंदर, तो यहाँ पे गाड़ी की एंट्री होगी पहले, तो ये पीछे की साइड में इसका सर्विस कैंपस, ये देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर, गाड़ी तो अंदर डाल दी है, अभी बंद करते हैं और चलते हैं बाहर। तो गाइज यहाँ मैंने देखा बढ़िया से गाड़ियाँ सर्विस हो रही थी, फिर मैं बाहर आ गया और मैंने देखा कि वाइट दीवार के उधर की साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, जिसमें कुछ काली और कुछ गोरी है और कुछ टूटी फूटी गाड़ियाँ भी थी, और यहाँ पे नई गाड़ियों का स्टॉक बहुत सारा था। कुछ i20 दिखी मुझे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, नई गाड़ी दिख रही है।
फिलहाल भाई हम लोग आ गए बाहर और गाड़ी हमने दे दी, आप लोगों ने सीन देखे तो गोविंद भैया से हाई करो पहले। हाय गाइस। और अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब अपन चलेंगे घर पे वापस। अच्छा, ये गाड़ी है ना भाई, ये गाड़ी सबसे सुपर है, मैंने आपको अभी बताया। ये एक्सेलरेशन इसका इतना बढ़िया है, क्या ही बताऊं गाइस। भाई इसके लिए हर महीने सर्विस करवानी पड़ती है तब एक्सेलेंट अच्छा आता है इसका। वो एसी में ऐसे चलती है जैसे ईओन चलती है। बस मैं सर्विस करवाता हूं ना भाई हर महीने, हर महीने। और वो क्या पीती है भैया? तेल पीती है भाई, वो तो यार खतरनाक वाला, वो खून पीती है। 2300 रुपए का तेल पी गई वो, मेरा पूरा खून पी गई कल तो। भाई गोविंद भैया वो कंपनी वाले एम्प्लॉय को बोलते हैं, सबसे पहले तो भाई तू इसकी एवरेज लिख। कि हम बहुत जल्द ट्रेवल प्लान कर रहे हैं और हो सकता है कि डिजायर और i20 जाए, हो सकता है कि एक i20 जाए, हो सकता है कि दोनों i20 जाए। तो अब आने वाले व्लॉग में पता लगेगा। वैसे आप भी कमेंट कर देना कि कौन सी गाड़ी लेके जानी है हमें, हमारे पास 3 ऑप्शन है, सही है ना? बिल्कुल एकदम राइट। और ये जो टूर है ना बहुत ही शानदार होने वाला है, अपन के साथ साथ में अपन के सारे जो भी दर्शक है ना उनको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब ये आप लोगों से रिलेट कर रहे हैं कि आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, पर फिलहाल यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा राजस्थान में कि पसीने ऐसे निकल रहे हैं जैसे जलधारा बह रही हो। गाइस रात हो गई है और अच्छे से पूरा दिन निकाला, मैं तो भाई घर जाके सो गया था बढ़िया, और गोविंद भी अभी अपने काम पे लगे हुए थे। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दोनों भाई मिलके एक बढ़िया पार्टी में, और पार्टी किसके, एक स्पेशल पर्सन के जिनको आप पहले भी जानते हैं, बट उनका वीडियो कुछ प्रोसेस के कारण मुझे प्राइवेट करना पड़ा है, बहुत जल्दी नया वीडियो आ जाएगा। तो भाई से मिलवाते हैं और एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं हम लोग, तो हमारे भाई साहब की बर्थडे पार्टी है। फिलहाल गोविंद भैया का लुकआउट देखो आप, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। यार क्यों बजती करा रहे हो रोज रोज ब्लैक एंड व्हाइट बोल के? गोविंद भैया ही बोल दो ना सीधा, रोज रोज ये देखो यार ये लुक ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लैक क्या? गाइस कमेंट में बताना, कमेंट में बताना ये लुक बेकार है क्या? ये इतना बढ़िया है, सूट करता है इनपे, और ये बोल रहे क्यों फचीती करवा रहे हैं, इसमें फचीती का है कि भाई ये तो बूढ़े बहुत सुपर लग रहा है आप पे। तो गाइस हमारे सुरेश भाई सब जा रहे हैं आगे स्कूटी पे, स्कूटी दिख गई हमें ओला वाली। ये बाइक वाले भी अपनी पार्टी में चल रहे हैं और ये स्कूटी वाले जो है अपने सुरेश भाई साहब है। तो भाई ये देखो दोनों जने इधर घूम रहे हैं। हाय। तो भैया और अभी आएंगे, पहले उनके घर जा रहे हैं अपन? नहीं अपन यहाँ पे एक पेंट्रोल पंप है वहाँ पे इनकी बाइक पार्क करेंगे फिर अपनी गाड़ी में चलेंगे। ठीक है। और एक अच्छे से मतलब होटल पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, डिनर पे जा रहे हैं हम लोग और फुल मजा करेंगे वहाँ पे। तो वो जो भाई i20 है उसको हम सुबह ही भूल गए थे, उसका सीन जो है वो 2-3 दिन बाद में पता लगेगा कि हमें कैसे वो गाड़ी मिलेगी। तो हम उसके बारे में बता के तो उनको बहुत कुछ है और फिर देखते हैं उनकी सर्विस उसकी किस हिसाब से करते हैं। वो एसी पे भी थोड़ा उसका एक्सेलरेशन कम था, है ना भैया? बिल्कुल बहुत कम था। वो भी बंद हो जा रही थी बार बार, जो 4 नंबर एसी पर तो गाड़ी बंद हो जा रही थी, मतलब फैन की स्पीड पे गाड़ी बंद हो रही थी। और एक हमारी ये डीजल की है भाई, इसमें तो सुपर है, इसको भले कैसे ही चला रही हो तो उड़ती है भाई गाड़ी ये। फिलहाल भाई आगे सुरेश भी और अपनी स्कूटी लेके, तो वो वहाँ पे पार्क करेंगे, उनके पास ओला वाली स्कूटी है। फिलहाल गाइस सभी आगे हैं और गोविंद भैया गाड़ी चला रहे हैं, पीछे हमारी 3 फैमिली बैठी है और सुरेश भी है इधर। हाय। तो ये भैया अपना नाम बताएंगे पहले? गुलाम हुसैन शंकर गोदारा। तो ये देख लो दो भैया है, सुरेश भैया के फ्रेंड है। फिलहाल भाई पहुंच गए हैं जय श्री कृष्ण होटल में और अंदर जाके खाना खाएंगे बढ़िया से। फिलहाल केक काट रहे हैं सुरेश भैया। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो आप देखो सुरेश भाई साहब पूरा केक इनके मुंह पे लगा दिया।